तुहे का बतलाई हो, कैसे समझाई हो, अब हो के जुदा तुह से जियल न जाई हो, कि चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गईल, कि चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गईल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्फा स्टडी में दोस्तों। और आज हम बात करेंगे दोस्तों RRB ग्रुप डी एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में दोस्तों। और ये वीडियो आपका दोस्तों, अगर इस वीडियो में अगर आप शुरू से लास्ट तक बने रहते हैं दोस्तों, तो आप 100% जो सिंपलीफिकेशन होता है यानी सरलीकरण का होता है, और सरलीकरण में जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है दोस्तों, कैसे आप उसको चुटकियों में बदल दीजिएगा दोस्तों, चुटकियों में उसको मिटा दीजिएगा दोस्तों, बना दीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों जानते हैं कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं दोस्तों। तो देर न करते हैं दोस्तों और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है। कि एक माइनस एक बटा दो, एक माइनस एक बटा तीन, एक माइनस एक बटा चार, एक माइनस एक बटा पाँच, डॉट 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 एक माइनस एक बटा तीस तक गया है दोस्तों। तो कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, देखिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम एक क्वेश्चन एकदम इत्मीनान से आप लोगों को समझाते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि एक माइनस एक बटा दो, ठीक है, एक माइनस एक बटा तीन, ठीक है, फिर एक माइनस एक बटा चार, हम यहीं से डॉट डॉट लिख देते हैं, कहाँ तक गया है, एक माइनस एक बटा तीस तक। देखिए दोस्तों कैसे इस क्वेश्चन को बनाइएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसका बटा पर के आप घटाओ कीजिएगा, तो दो में से एक गया तो कितना हो गया, एक बटा दो, अगुने इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा दो बटा तीन, आई हो जाएगा तीन बटा चार, अगुने डॉट 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 29 बटा क्या हो गया 30, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यह इस दो से ये दो कट जाएगा, इस तीन से इस तीन कट जाएगा, ऐसा समय आएगा कि ये 29 कट जाएगा, तो फिर आपके पास बचेगा क्या 1/30 और 1/30 इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को इतना आसानी तरीके से उड़ा देते हैं दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, और एक ही प्रकार का 5-7 क्वेश्चन इसलिए लेकर आते हैं दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, अगर आप अल्फा स्टडी को देख रहे हैं दोस्तों, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछे दोस्तों, अगर आप RRB ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप वापस नहीं आएंगे दोस्तों, इस बात की गारंटी है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हो जाएगा आपको कितना, 5 में से एक घटेगा तो 4/5, ठीक है, 4/5 गुने हो जाएगा 5/6 गुने, ठीक है, 6/7 और गुने सीधा सीधा है 7/8, ठीक है, इसके बराबर सीधा वाट दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, 7 से 7 कट गया, बच गया क्या 4/8, और इसको भी अगर आप काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो विद इन सेकेंड में ऐसे क्वेश्चन को आप उड़ाते हैं दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों, ऐसा हम 7-8 प्रश्न इसलिए लिखे हैं दोस्तों कि ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है दोस्तों जिसमें इस टाइप का अगर सरलीकरण से प्रश्न आए तो ऐसा प्रश्न नहीं आता हो दोस्तों। आइए दोस्तों वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपको देते रहेंगे इंटरेस्टिंग जानकारी दोस्तों, हर एक क्वेश्चन पर कैसे बनाया जाता है। ये तो माइनस वाला है, जैसे देख लीजिए दोस्तों, ये एक में से यह हो जाएगा 3, 3 में से गया तो कितना हो जाएगा 2/3 गुने 3/4 और गुने 4/5 और डॉट 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 ये कहाँ गया 99 में से गया तो कितना आ गया 98 बटा क्या हो गया भाई साहब 99। अब ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, 3 से 3 काट सकते हैं, 4 से 4 काट सकते हैं, ऐसा समय आएगा कि ये 98 कट जाएगा, अब बच जाएगा क्या 2/99, तो 2/99 इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। तो विद इन सेकेंड में ऐसे क्वेश्चनों को उड़ा सकते हैं दोस्तों, और आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं दोस्तों। अगर आप अल्फा स्टडी का वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक
लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों हमारे लिए 300% एनर्जी देता है दोस्तों। और दोस्तों यह बात पता है दोस्तों कि लोग फालतू के चीज़ बहुत देखते हैं दोस्तों, जैसे कि हेलो फ्रेंड आप आज क्या खाए हैं, आज चलिए हम अपना आम का गाछी दिखाते हैं, तो काजू का पेड़ दिखाते हैं, तो ये दिखाते हैं वो दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों जानते हैं जो एजुकेशन का वीडियो उसको स्किप कर देते हैं दोस्तों, यहाँ तक कि थंबनेल पर क्लिक नहीं करते हैं दोस्तों। जानते हैं दोस्तों इससे क्या होता है कि आप तो अपना टाइम को बर्बाद करें दोस्तों। जैसे कि आप देख लीजिए दोस्तों, अगर कोई फालतू का चैनल है वो कुछ नहीं करता है, सिर्फ बात करता है, पेड़ दिखाता है, तो पेड़ पर चढ़ता है, खाना बनाना सिखाता है, ये करता है वो करता है। लेकिन जो टीचर जो दोस्तों आप इसी पढ़ाई को पढ़ने के लिए दोस्तों आप दूर दूर तक जाते हैं, पैसा देते ये करते हैं, लेकिन आप इसको नहीं देखते दोस्तों। समस्या इस बात का है दोस्तों कि आप कितना परसेंट पढ़ना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों विशेष बात ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों अब क्या है, ये हो जाएगा आपका कितना, क्वेश्चन नंबर 4, ये हो जाएगा 1/2 गुने 2/3 और गुने फिर हो जाएगा 3/4 और गुने 4/5 है ना, और गुने डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा n-1 बाई क्या चीज़ n, ठीक है। तो अब देखिए ये 2 से 2 कट गया और ये 3 से 3 कट गया, ये 4 से 4 कट गया और ये 5 से n-1 भाई, तो बच गया क्या 1/n, इसका क्या हो गया परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। तो आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं दोस्तों, विद इन सेकेंड में क्वेश्चनों को उड़ा सकते हैं दोस्तों। अगर आप एग्जामिनेशन में गए हैं दोस्तों, अगर आप अल्फा स्टडी का वीडियो देखे हैं दोस्तों सरलीकरण का दोस्तों, तो आप 100% ऐसे क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड में उड़ा देंगे दोस्तों। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये हो जाएगा इसमें प्लस का सीन है, तो ये 3/ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 इंटू और ये हो जाएगा 4/3 ठीक है इंटू, ये हो जाएगा आपका 5/4 ठीक है 5/4 और ये हो जाएगा आपका इंटू ये 6/5 और डॉट 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 गया हुआ है और यहाँ 21/20 दोस्तों। इसमें कैसे कट रहा है वो देखिए, इसमें इससे कट रहा है, ऐसे कटते जा रहा है, ऐसे कट रहा है, तो ऐसा समय आएगा कि ये 20 कट जाएगा, यहाँ पर बच गया 21 और नीचे बच गया 2, तो यही इसका आंसर हो गया। आप इसको पूर्णांक बदलेगा तो 10/1/2 क्या हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो ठोकिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका क्या लिख सकते हैं, 4/3 ठीक है 4/3 इंटू ये हो जाएगा आपका 5/4, क्वेश्चन नंबर आपका है 6 ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 6, 5/4 इंटू ये हो जाएगा आपका 6/5 और इंटू डॉट 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 ये हो जाएगा 101/100। देखिए दोस्तों इसमें कैसे कट रहा है, यहाँ से इस तरह से कटते जाएगा, एक ऐसा समय आया कि 100 कट जाएगा, बच जाएगा 101/3 यानी यहाँ ये हो गया न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर यानी अंश बटा हर, ये आपका 103/3 इसका आपका क्या हो गया परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे और 6 क्वेश्चन भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन होगा दोस्तों। आइए दोस्तों 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 1/1/5 यानी ये हो जाएगा आपका 6/5 गुने ये हो जाएगा 7/6 गुने ये हो जाएगा 7/8 ये हो जाएगा 8/7 और डॉट 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 गया हो 75/ क्या चीज 74। अब देखिए यह 6 से यह 6 कट गया, यह 7 से यह 7 कट गया, ऐसा समय आएगा कि 74 कट जाएगा, तो बच जाएगा 75/ कितना 5 और इसको काटिएगा तो आता है 15/5 75, तो 15 इसका क्या हो गया परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों कि आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी के साथ बना सकते हैं दोस्तों। कहता है कि सुंदर सुर सजाने का साज बनाता हूँ दोस्तों, सुंदर सुर सजाने का साज बनाता हूँ, नवसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ दोस्तों, चुपचाप सुनता हूँ आवाजें सबकी, चुपचाप सुनता हूँ आवाजें सबकी। दोस्तों कहते हैं कि सुंदर सुर बनाने का साज बनाता हूँ, सुंदर सुर बनाने का साज बनाता हूँ,
नवसिखिए परिंजों को बाज बनाता हूँ दोस्तों, चुपचाप सुनता हूँ आवाज़ें सबकी, फिर दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समंदर तो परखती है हौसले कश्तियों की, मैं डूबते कश्तियों की जहाज़ बनाता हूँ दोस्तों, मैं डूबते कश्तियों को जहाज़ बनाता हूँ दोस्तों। तो देखते रहिए अल्फा स्टडी, डेट्स ऑल, थैंक यू।